चैलेंजर्स बंगलौर ने आईपीएल 2022 के अहम मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रन से मात देकर 27 मई को खेले जाने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ने का हक पा लिया। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल की 58 गेंद पर 79 रन की पारी भी काम नहीं आ सकी। आरसीबी की ओर से रखे गए 208 रन का पीछा करते हुए एलएसजी 6 विकेट पर 193 रन ही बना सकी। आरसीबी की ओर से जोश हेजलवुड और हर्षल पटेल ने शानदार बॉलिंग की। हेजलवुड ने 43 रन देकर 3 विकेट लिए, वहीं हर्षल ने किफायती बॉलिंग करते हुए 25 रन देकर 1 विकेट लिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के लिए आईपीएल 2022 के अहम मैच में रजत पाटीदार ने धमाकेदार पारी खेली। रजत ने 54 गेंद पर 112 नाबाद रन बनाए, जिनमें 12 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। इस पारी में रजत का स्ट्राइक रेट 207.41 का रहा। रजत ने 49 गेंद पर ही अपना शतक छक्के के साथ पूरा किया। रजत की 5वें विकेट के लिए दिनेश कार्तिक के साथ 92 रन की अटूट साझेदारी हुई। दिनेश कार्तिक ने 23 गेंद पर 37 नाबाद रन बनाए। रजत पाटीदार ने 7 मैचों में इस आईपीएल सीजन में 275 रन बनाए, जिनमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। रजत पाटीदार को आरसीबी ने इस सीजन के लिए 20 लाख रुपए की बेस प्राइस पर ही खरीदा था। रजत की पारी के दम पर आरसीबी ने इस मैच में 4 विकेट पर 207 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। 28 साल के रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले रजत ने 8 साल की उम्र से ही क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही रजत को उनके दादाजी ने क्रिकेट अकेडमी में भर्ती करवाया था। रजत ने अपने करियर की शुरुआत एक गेंदबाज के तौर पर की थी और अंडर 15 खेलने के बाद उन्होंने बैटिंग पर ध्यान दिया। अपने कोच के कहने पर उन्होंने बल्लेबाजी पर फोकस किया। एक इंटरव्यू में रजत ने कहा था कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं और उन्हीं को देखकर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। हालांकि रजत के अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग आइडल हैं, वो क्रिकेट के अलावा फुटबॉल को भी पसंद करते हैं। रजत ने 2015-16 रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। अगस्त 2019 में रजत को दिलीप ट्रॉफी के लिए इंडिया ब्लू टीम में शामिल किया गया था। फरवरी 2021 में पाटीदार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा था। रजत ने अपना आईपीएल डेब्यू 9 अप्रैल 2021 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ एमए चिदम्बरम स्टेडियम में किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।